गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की बात करें, काफ़ी लंबे समय से जो है वो जद्दोजहद कर रहे थे, अपने मसाइल के लिए जो है उन्हें दर बदर होना पड़ता था। लेकिन जिस तरह से अब रिप्रेजेंटेशन की बात करें, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिलने जा रही है। आइए जाने का प्रयास करते हैं, इस कम्युनिटी के सदस्य क्या कहना चाहते हैं। मैम अपना परिचय दीजिए। अज़बिल्लाह मैंने शैदान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं परवाज चौहान बीजेपी की स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राज्यसभा के सदस्य गुलाम अली खटाना जो है अब नज़र आएंगे, तो कितनी खुशी है और कितनी उम्मीदें हैं? मैं इस खुशी को अपने दिल में नहीं समेट सकती हूँ, ये कहीं ना कहीं छलक बाहर जा रही है, आप देख रहे हो। तो मैं आज के दिन मैं सोच रही हूँ कि जैसे अल्लाह की अल्लाह ने हमारे पे ये रहमत और करम नवाजी की है, तो मैं अपने पीएम साहब, अपने मोदी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने अमित शाह साहब का, अपने जेपी नड्डा साहब का, अपनी बीजेपी पार्टी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज तक 70 साल से कोई नॉमिनेटेड गुजर जो है वो आज तक आगे नहीं आया। तो मैं इस पार्टी का तह दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। क्या 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 मसाइल हैं जो इसके हल की अब आपको उम्मीद जगी है? मुझे इतनी उम्मीद है मैं अपने आप को बेसहारा समझ रही थी, आज तक मैं अपने आप को बेसहारा समझ रही थी। मैं बोलती ज़रूर थी कम्युनिटी के लिए, लेकिन आज मैं समझती हूँ कि मेरा जो नाम है, मेरा जो जज्बा है, मेरा जो जज्बात थे, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से मेरी पार्टी ने मेरी कदर की है और मेरे जज्बे तो जज्बात जो हैं मेरे में मतलब समाया भी जो है वो सिमट दे नहीं है। मैं इतनी खुश हूँ कि आपको क्या बयान करूँ, मैं इतनी खुश हूँ जी। जैसे कि मैम ने अभी बोला कि हमारे आज खुशी समाई नहीं जा रही है, हमें इतनी खुशी है कि जिसका आज हम बयान नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि ये 70 साल में पहली बार राज्यसभा का मेंबर यहाँ से उठाकर दिल्ली में बनाना और एक गुज्जर कम्युनिटी के लिए इससे बड़ा सराहना क्या हो सकता है। ये हमारे सिर पे ताज रखा है, ताज, इसको हम कभी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। काफ़ी जद्दोजहद जो है ये कम्युनिटी कर रही थी, अब आपको लगता है कि अब आपको जद्दोजहद समाप्त हो जाएगी या अभी भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी? हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी, हम पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं और हमारी पार्टी ने हमें इस पे खरा उतरने का भी एक मौका दिया है। जैसे कि आज देख लो आप, गुलाम अली खटाना जी को यहाँ से उठाकर मेंबर पार्लियामेंट बना दिया है, राज्यसभा का मेंबर बना दिया है, इससे ज़्यादा खुशी कौन सी हो सकती है। और हम ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में भी हमारे लिए ये ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। मैं ये कहना चाहूँगी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, मेरे चाचू लगते हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है कि हमारे पूरी बरादरी को आगे लेके आए हैं जी। एक तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है कि पूरे इंडिया में जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं राज्यसभा के, वो सिर्फ 12 ही होते हैं, तो उसमें से एक इंजीनियर गुलाम अली भी होंगे, तो ये एक बहुत बड़ी हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है कि उनकी आगे इस तरह से रिप्रेजेंटेशन आएगी, वो अपनी स्टेट के साथ साथ वो एक कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमारा कल्चर को, हमारे कम्युनिटी के कस्टम्स को, वो सब चीज़ों को भी अपग्रेड करेंगे, हमारी लैंग्वेज को, वो सब चीज़ों में ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करते हैं, कम्युनिटी जो है इस समय कितना सफ़र कर रही है और कहाँ कहाँ सफ़र कर रही है? देखिए कम्युनिटी तो जैसे सफ़र करती है कभी रिप्रेजेंटेशन के लिए, या कभी उसमें प्रॉपर नहीं होता कि किसे रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, लोग उसी चीज़ पे अभी बहस करते हैं कि हमें भी एसटी में इंक्लूड करो या एसटीजीबी में, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए होना चाहिए, एक क्लियर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्या उम्मीद जगी है अब आपको, आपके मसाइल हल होंगे? जी हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जैसे हम बाय फेस हम उन्हें जानते हैं, इंजीनियर गुलाम अली जी को, तो हम उन्हें वो बाय नेचर भी जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, तो वो डेवलपमेंट के लिए वर्क ही करेंगे जम्मू में। आज सही मायनों में बीजेपी पार्टी ने हकीकत में जब बताया है कि गुजरों का अगर कोई है, गुजरों की कोई फिक्र करता है, या गुजरों की कोई किसी प्लेटफार्म में कोई लाना चाहता है, तो सिर्फ बीजेपी ला रही है और हमें किसी स्टेज पे आके छोड़ा है। और हमारे इंजीनियर गुलाम अली साहब को जहाँ पार्लियामेंट में भेजा, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि हमारी नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं था, हमें नुमाइंदा मिला है और वो भी दिल्ली में जाके बिठाया है कि वहाँ नुमाइंदगी हमें। जैसे कि विधानसभा के चुनाव जो है जल्द यहाँ पर होंगे, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वोट बैंक और बढ़ेगा बीजेपी का? बिल्कुल बढ़ेगा जनाब, इंशाल्लाह बढ़ेगा, और जम्मू कश्मीर के गुज्जर बरादरी जितनी भी है वो बीजेपी के साथ होगी। ये एक बहुत बड़ा काम किया बीजेपी ने, हम उनको मुबारकबाद देते हैं, खासकर हाईकमान को, नरेंद्र भाई मोदी को, अमित शाह जी को, और हमारे रैना साहब हैं, जितने भी हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको हम मुबारकबाद देते हैं। और ये कोई खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा काम किया है हमारे गुज्जरों के लिए उन्होंने। नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी।
भारतीय जनता। जम्मू कश्मीर में रहने वाले हमारे गुज्जर बकरवाल समाज, एसटी समाज के लोगों को दिल की गहराइयों से मैं बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी का, माननीय हमारे जो अध्यक्ष हैं माननीय जेपी नड्डा जी का और हमारे जम्मू कश्मीर के जो प्रभारी हैं माननीय तरुण चुग जी का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समाज से हमारे एक बड़े कद के नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद के नेता गुलाम अली खटाना, जो पेशे से जो इंजीनियर हैं और एक बड़े ही लाइक कॉम्पिटेंट जो है वो लीडर हैं, उनको पार्लियामेंट में स्थान दिया है। वो उनको कल जो है मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा का मेंबर जो है, ये एक विशेष ध्यान जो जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समाज के ऊपर हमारी पार्टी ने दिया है, उसके लिए पूरी पार्टी के नेताओं को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समाज से मैं ये कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गुज्जर बकरवाल समाज के साथ खड़ी रही है। और अगर हम देखें कि 65 वर्ष जो है गुज्जर बकरवाल समाज के साथ जो इंसाफ नहीं हुआ, पॉलिटिकल रिजर्वेशन गुज्जर बकरवाल समाज को भारतीय जनता पार्टी ने दी, जिसमें 9 सीटें जो है असेंबली के अंदर रिजर्व हुई, यहां पर इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन जो है उसको हटाया गया, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट जो है गुज्जर बकरवाल समाज को दी गई और आज एक बड़ी रिप्रेजेंटेशन मेंबर पार्लियामेंट जो है गुज्जर बकरवाल समाज के जो है वो चुने गए हैं, उनको नॉमिनेट किया गया है। और ये इसलिए किया गया है कि जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल ट्राइब समाज के जो लोग हैं उनकी जो बात है पार्लियामेंट में कोई नहीं जम्मू कश्मीर की उठा रहा था, पार्लियामेंट की इनकी आवाज जो है वो हमारे गुलाम अली खटाना जी जो है वो बने हैं। मैं एक बार फिर गुलाम अली खटाना जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा, हमारे मित्र हैं। और मैं आपकी अपनी गवर्नमेंट नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और वक्ती गवर्नमेंट जितने भी लीडरशिप हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम में से एक गुज्जर लीडर को उन्होंने पार्लियामेंट तक पहुँचाया है, राज्यसभा तक पहुँचाया है, तो हम अपनी गवर्नमेंट को ये मुबारक देते हैं और इसका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो आज इंतहाई बहुत बड़ी खुशी का मकाम है, जैसे कि अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया, गली में यार की सब मुश्ताक बैठे हैं बेफिक्र, खुदा जाने वहाँ से किसके नाम हुक्म आएगा। वही बात है जहाँ आज हमें इतनी खुशी है कि जनाब बीजेपी के जो आला क्यादत है, जनाब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब नरेंद्र भाई मोदी साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब और दीगर जो स्टेट के हमारे आला कमांड है, जिन्होंने हमारे एक इंजीनियर जो हमारे पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रहते हैं गुलाम अली साहब जो हैं, वो जिनको आज उन्होंने राज्यसभा के अंदर उनकी नामजदगी करके उनको एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक जिम्मेदारी दी है। इस समय गुज्जर कम्युनिटी में जो है खुशी की लहर है, उनको उम्मीद जगी है कि उनके जितने भी मसाइल थे, जितनी भी प्रॉब्लम थी, जितना भी उन्होंने सफ़र किया है पिछले 75 सालों में, अब जाकर जो है उनके मसाइल हल होंगे, अब जाकर जो है उनकी आवाज़ बुलंद होगी, जिस तरह से गुलाम अली खटाना जो है राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। इसी के साथ करण सिंह और मुझे याद रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे।